उत्तर प्रदेश के कानपुर में लगातार तीसरी ट्रेन की घटना सामने आई है। प्रयागराज से भिवनी के लिए रवाना हुई कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन जब कानपुर के शिवराजपुर के रेलवे ट्रैक के पास पहुंची तो ट्रैक पर एक एलपीजी गैस सिलेंडर रेल की पटरी के बिल्कुल बीच में रखा हुआ था, जिसे ट्रेन को धमाके के साथ उड़ाने की कोशिश जाहिर हो रही है। ये घटना कानपुर सेंट्रल से महज 30 किलोमीटर दूर शिवराजपुर क्षेत्र के रेलवे ट्रैक की है। हालांकि ये लाइन बरेली मंडल के अधीन है, लेकिन रात 8:30 बजे यहां से गुजर रही कालिंदी एक्सप्रेस को धमाके से उड़ाने की एक नापाक साजिश रची गई, जिसमें रेल के ट्रैक के बीच में एक एलपीजी गैस सिलेंडर के साथ एक कांच की बोतल में ज्वलनशील पदार्थ और सफेद रंग के केमिकल के साथ रखा गया था। ये रेलवे की अथॉरिटीज के द्वारा 8:30 बजे के आसपास जो है वो सूचित किया गया कि एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी, तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। गुजर रही ट्रेन के ड्राइवर ने पटरी पर रखे सिलेंडर को देख इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन रफ्तार होने के चलते ट्रेन का इंजन सिलेंडर से टकरा गया और वो उछलकर दूर गिरा। गनीमत थी कि ट्रेन से टकराने के दौरान सिलेंडर फटा नहीं, वरना रेल की पटरी धमाके से उखड़ जाती और इंजन समेत बोगियां पटरी से उतर जाती। फिर आरपीएफ के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। सभी सीनियर ऑफिसर्स फोरेंसिक की टीम यहाँ पे मौजूद है। हम लोग जो है वो घटनास्थल को जरा समझ रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है, सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया उसके आधार पे हम लोग जो है वो नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई हम लगाएंगे। वहीं हादसे के दौरान ट्रेन एक घंटे तक रोक दी गई और अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसके बाद ट्रेन में बैठे सभी यात्री दहशत में आ गए और मौके पर अपर रेलवे के अधिकारियों समेत पुलिस और जीआरपी के अधिकारियों ने भी अपना डेरा डाल दिया। टीम ने जांच शुरू कर दी और साक्ष्य इकट्ठा कर भरा हुआ गैस सिलेंडर जो ट्रेन से टकराने के बाद क्षतिग्रस्त हो चुका था उसे कब्जे में ले लिया और बोरे में भरे केमिकल और सफेद पाउडर को भी टीम ने जब्त किया है। अभी सभी बिंदुओं पर जो है वो हमारी टीमें जाँच कर रही है और जो हमारी फॉरेंसिक की टीम है वो बहुत डिटेल्ड में जो है वो पूरे घटनास्थल को बारीकी से देख रही है। जिन लोगों ने जो है वो घटना को अंजाम दिया है, संभवतः जो है जो भी घटना हुई है उसको हम लोग जो है कोरिलेट करके उसको जो कार्रवाई होगी उसकी। इस घटना में आतंकी साजिश के चलते जांच शुरू कर दी गई है। मौके पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। वहीं इस घटना के बाद अपर पुलिस आयुक्त हरीश चंद्र ने बताया कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, रेलवे लाइन शुरू कर ट्रेन को रवाना कर दिया गया है और संदिग्ध सामान को जब्त कर जाँच की जा रही है। सभी पहलुओं पर बारीकी से नजर रखते हुए रेलवे टीम भी जाँच कर रही है। इस घटना से पहले गुजैनी रेलवे ट्रैक पर 40 फीट की ऊंचाई से एक ट्रक रेल लाइन के ऊपर गिरा था, जिससे चित्रकूट एक्सप्रेस गुजरने वाली थी। अगर ट्रेन के गुजरने के दौरान ट्रक गिरा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं इससे पहले गोविंदपुरी स्टेशन के पास संदिग्ध अवस्था में किसी चीज से टकराने के चलते साबरमती एक्सप्रेस की 22 बोगियां पटरी से उतर गई थी। ये सभी घटनाएं किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज आगरा।